नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी कुबेर मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांसारिक जीवन में आने वाली जटिल से जटिल आर्थिक समस्याओं में इस मंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। माता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की चल संपत्ति धन तथा आकर्षण की देवी मानी जाती हैं तथा यक्षराज कुबेर संपूर्ण अचल संपत्ति यानी समस्त जमीन जायदाद के स्वामी माने जाते हैं। इन दोनों की एक साथ साधना करना परम सौभाग्य माना जाता है। लक्ष्मी कुबेर प्रयोग मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याओं का निदान करता है, वहीं धन प्राप्ति के स्रोत को बढ़ाता है। इसके अलावा अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है, विवाहित जीवन सुखमय रहता है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, नौकरी में उन्नति होती है, व्यापार का विस्तार होता है, पार्टनर धोखा नहीं दे पाता, व्यापारिक अनबन समाप्त होने लगती है, जमीन जायदाद से संबंधित विवाद सुलझने लगते हैं, जमीन जायदाद का विस्तार होने लगता है, दिवालियापन से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, कर्ज से छुटकारा मिलने लगता है। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, फिर अपने मणिपुर चक्र में यानी हार्ट चक्र के नीचे व नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए लक्ष्मी कुबेर मंत्र ओम श्रीं ह्रीं कमलेश्वरी यक्षराज कुबेराय नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम श्रीं ह्रीं कमलेश्वरी यक्षराज कुबेराय नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह मंत्र सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसका जाप 15 मिनट तक रोज करें। इस मंत्र का जाप किसी भी माला से या बिना माला के भी आप कर सकते हैं। इस अभ्यास को 21 दिन तक नियमित रूप से करना है, फिर 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन व कपड़े दान करने से लाभ ज्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। यह 21 दिन का प्रयोग है। अगर इसी मंत्र का 1,25,000 जाप कर लिया जाए तो आप सोच नहीं सकते इतना लाभ मिलता है, पर इसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप 21 दिन का प्रयोग करते हैं या 2 से 3 महीने का 1,25,000 मंत्र जाप का। इस मंत्र को किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें, पति पत्नी मिलकर इस मंत्र का अभ्यास करें तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। इस अभ्यास में ज़्यादा पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। अपने भोजन में फल, हरी सब्जी तथा फल के जूस का उपयोग ज्यादा करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं।
इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सतर्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।